हाँ जी दोस्तों, मैं तसेन सिंह मठाड़ू के नाल पंजाब न्यूज़ चैनल दियाँ अज सुबह दियाँ खबरों के तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस नाल ही गलबात करांगे भारत के पंजाब सूबे दियाँ इस वेले दियाँ अहम खबरों की। तो खबरों को शुरू करते पहले एक बार नज़र मारते हैं चुनवी खबरों पर। पहली चुनवी खबर है जी कि विरासत ए खालसा खोलन का लिया गया फैसला, इन गलों का रखना पवेगा ध्यान। होटलों शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लैक्स में बार खुल संबंधी दिशा निर्देश जारी। दिवाली के पटाके चलाने संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन ने 2 घंटे दी छोट। जो बाइडन ने सबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को अपने सहु चुक समागम का भेजा सद्दा। 3 नवंबर को बंद रहेगा लुधियाना बस अड्डा जाने इसका कारण। खुशखबरी, दिवाली मौके सरकारी कर्मचारियों को वड्डा तोहफा। चीन तो एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। मोदी सरकार किसानों नाल रेड़का नबेड़ना चाहती है कि किसान करनगे केंद्र की पेशकश कबूल। पंजाब ठंड के नाल ही वधिया करोना का कहर। पंजाब सरकार ने कारपोरेट घराणे के वड्डे प्रोजेक्टों को सुरक्षा देने का किया फैसला। हजूर साहब जाने वाले लिए खुशखबरी, मुड़ शुरू हुई अमृतसर तो हवाई सेवा। सोने दी कीमतों में भारी उछाल, चांदी में जबरदस्त तेजी, जाणो की है भा। किसानों के बाद हुण मुलाजमां भी सरकार विरुद्ध जोरदार संघर्ष के रूप में। तो दोस्तों ये सी अपने समय दी चुनवी खबर। तो इस नाल ही गलबात करते हैं जी पहली वड्डी खबर की। कृपा करके अपनी वीडियो में वो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। इस नाल ही पहली खबर है जी कि विरासत ए खालसा खोलन का लिया गया फैसला, इन गलों का रखना पवेगा ध्यान। पंजाब सरकार वालों विश्व प्रसिद्ध विरासत ए खालसा नूं भलके 11 नवंबर तो यानी कि अज तो खोलन का फैसला किया गया है। इस संबंधी जिथे प्रबंधकों वालों समुचे कंपलैक्स में पूरी तरह नाल सैनिटाइज किया जा रहा, उत्थे सैलानियों गृह मंत्रालय और सेहत विभाग वालों जारी किए गए कोविड तो बचाव सावधानियों का पालना करना होगा। विरासत ए खालसा कोरोना महामारी करके मार्च महीने तो बाद लगातार बंद है, पर अज सरकार वालों अहम फैसला लेंदे हुए इस खोलन का फैसला लिया गया है। होटलों शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लैक्स में बार खोलन संबंधी निर्देश जारी। पंजाब सरकार ने कोविड प्रभावित कंटेनमेंट जोनों छड़ के बाकी थावां ते होर खुल देने दिशा निर्देश जारी किए ने। इस नाल ही होटलों शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लैक्स में बार खोलन के संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए ने। दिवाली के पटाके चलाने लई मुख्यमंत्री कैप्टन ने 2 घंटे दित्ती छोट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि 2 घंटे लिए दिवाली गुरपुरब क्रिसमस के मौके पर आतिशबाजी के पटाके चलाए जा सकते हैं। मंडी गोबिंदगढ़ में इस छोट में शामिल नहीं किया गया है। जो बाइडन ने सबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को अपने सहु चुक समागम का भेजा सदा। सोशल मीडिया से एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमरीका के राष्ट्रपति चोणों के जो बाइडन की जीत तो बाद उन्होंने भारत के सबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी सहु चुक समागम में शामिल होने का सदा भेजा है। कई सोशल मीडिया यूजर ने यह भी दावा किया कि जो बाइडन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सहु चुक समागम में शामिल होने का सदा दिता है। तो इस जो वक् वक् प्लेटफार्म खूब शेयर किया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति चोणों के स्पष्ट हो चुके हैं कि जो बाइडन अमरीका के नवे राष्ट्रपति बनेंगे। 23 नवंबर को बंद रहेगा लुधियाना बस अड्डा जाने कारण। लुधियाना में मंगलवार को निजी ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ पंजाब रोडवेज और PRTC के मुलाजम एकजुट हो उन्होंने जम के RTO लुधियाना और पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री खिलाफ अपनी भड़ास कढ़ी। पंजाब रोडवेज मुलाजम यूनियन के प्रधान शमशेर सिंह ढिल्लों ने कहा कि यूनियन वालों 23 नवंबर को लुधियाना का बस अड्डा बंद रखने का ऐलान किया गया, जबकि 2 दिसंबर को ट्रांसपोर्ट माफिया का पुतला फूक के भारत नगर चौंक जाम लाया जाएगा। इस मौके रोडवेज के मुलाजमान ने कहा कि कोरोना दौरान वो मुफ्त में लोगों की सेवा कर रहे, पर हुण जो बसों का काम चलन लगा तो सरकार वालों निजी बसों को पहल दी जा रही है। खुशखबरी, दिवाली मौके सरकारी कर्मचारियों को वड्डा तोहफा। दिवाली का त्यौहार इस बार 14 नवंबर को मनाया जा रहा है, जिस दल चलते
सरकार ने दिवाली मौके केंद्रीय कर्मचारियों को वड्डा तोहफा देने का ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों लिए वड्डी खुशखबरी है, कर्मचारियों को सरकार वालों 10,000 रुपए का उत्सव कार्ड दिता जाएगा। इस संबंधी वित्त मंत्रालय ने सारे विभागों को आदेश जारी किए ने। ये जिहड़ा कार्ड है जी वो SBI वालों दिता जाएगा। चीन तो एक हैरान करने वाला मामला आया सामने आया जी, जिथे ली फेंगपिंग नाँ की एक नर्स ने एक सीनियर डॉक्टर मार के उसके दो टोटे किए थे, फिर पकाया तो उस बाद उसनू फ्लश कर दिता। दरअसल एक ये डॉक्टर उसनू शरीरक संबंध बनाने लई ब्लैकमेल कर रहा सी। ली फेंगपिंग ने इस मामले में दोषी ठहराते हुए उतों की एक अदालत ने सजा मौत सुना दी गई। मोदी सरकार किसानों नाल रेड़का नबेड़ना चाहती है कि किसान करनगे केंद्र की पेशकश कबूल। जी हाँ दोस्तों, इस बारे की अहम खबर है जी कि केंद्र सरकार वालों पास खेती कानून से पिछले 1.5 महीने तो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले का हल कढ़ने लई हुण केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियों नूं गलबात की पेशकश की है। 13 नवंबर नूं दिल्ली में मुलाकात रखी गई है। इस तो पहला भी 14 अक्तूबर नूं केंद्र सरकार ने किसानों नूं गलबात लई दिल्ली सदे, पर उस मीटिंग दौरान किसी भी मंत्री के मौजूद ना होने कारण बैठक सिरे नहीं चढ़ी सी। तो हुण 13 नवंबर नूं होने वाली यह मीटिंग दो कारण नाल महत्वपूर्ण है। पहला एक कि किसान जथेबंदियां कुछ झुकियां ने, क्योंकि 14 अक्तूबर नूं जदों उन्हां नूं दिल्ली में कोई मंत्री नहीं मिला सी तां उन्होंने ऐलान किया सी कि हुण किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार नाल कोई भी गलबात करन दिल्ली नहीं आउणगियां। हुण देखना यह होगा कि किसान जथेबंदियां जिहड़ा केंद्र सरकार का 13 नवंबर का सद्दा है, 13 नवंबर की बैठक है, उस विच शामिल होणगियां जां नहीं। तो दोस्तों तुहाडे इस बारे की विचार ने सानू जरूर दसना। पंजाब विच ठंड दे नाल ही वधिया करोना का कहर। पंजाब विच करोना वायरस ने फिर तो असर दिखाना शुरू कर दिता है। सूबे विच करोना वायरस की इनफेक्शन की संख्या बढ़ रही है। तो सूबे विच करोना वायरस नाल लोगों की मौतों की गिनती विच थोड़ा इजाफा हो रहा। सूबे विच पिछले 24 घंटे दौरान 22 लोगों की मौत हुई है। सूबे विच इस दौरान 587 नवे मरीजों की पुष्टि की गई है। पंजाब सरकार ने कारपोरेट घराणियां के वड्डे प्रोजेक्टां नूं सुरक्षा देने का किया फैसला। केंद्र ने खेती कानूनों विरुद्ध किसान जथेबंदियां मोदी सरकार के नाल नाल कारपोरेट घराणियां का विरोध कर रही हैं, जिसके मद्देनज़र पंजाब सरकार ने सूबे अंदर चल रहे कारपोरेट घराणियां के वड्डे प्रोजेक्टां नूं सुरक्षा देने का फैसला किया है। कैप्टन सरकार ने पंजाब के हर जिले के SSP नूं आदेश जारी किए ने कि उन्होंने अजिहे प्रोजेक्टां की सुरक्षा को यकीनी बनाने लई सख्त इंतजाम करने लई कहा, ता जो किसी किस्म का जानी माली नुकसान होने तो बचा किया जा सके। पिछले कई दिनों तो किसानों ने इन प्रोजेक्टों वाल जाने वाले रेल मार्गों को रोकया होया सी, इसलिए जिहड़ा हुण कैप्टन ने इन वड्डे घराणियां दे प्रोजेक्ट है जिहड़े उन्हां नूं सुरक्षा देने का फैसला लिया है। हजूर साहब जाने वाले लई कुछ खबरें। मुड़ शुरू हुई अमृतसर तो हवाई सेवा। तख्त सचखंड श्री हजूर साहब के दर्शन करन जाने वाले लई बहुत खुशी की खबर है। दरअसल करोना महामारी तो बाद हजूर साहब विखे जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान फिर तो शुरू हो गई है। दस दईए कि करोना वायरस के चलदे देश भर में हवाई सेवावां ठप्प सन, जिस दे चलदे मार्च महीने तो सचखंड श्री हजूर साहब जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान भी बंद सी। हुण ये सेवा फिर तो शुरू हो गई, जिस दे चलदे संगत विच खुशी की लहर पाई जा रही है। तो उड़ान पहले हफ्ते ते 2 दिन चलदी सी, हुण ये उड़ान हफ्ते विच 3 दिन चलिया करेगी। सोने दीआं कीमतां विच भारी उछाल, चांदी विच जबरदस्त तेजी, जाणो की ने पा। घरेलू वाधा बाजार में मंगलवार को सोना चांदी की वाधा कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। तो MCX एक्सचेंज के दिसंबर वाधा के सोने की कीमत मंगलवार दोपहर 12:43 से 1.62% या 806 रुपए की तेजी 50,554 रुपए प्रति 10 ग्राम से ट्रेंड करती दिखाई दी। इस अलावा 5 फरवरी 2021 के सोने की वाधा कीमत समय 1.66% 828 रुपए की तेजी 50,721 रुपए से 721 रुपए प्रति 10 ग्राम से ट्रेंड करती दिखाई दी। इस दे नाल ही चांदी की कीमत में भी काफ़ी वाधा नज़र आया, जिहड़ा वाधा हैगा जी 2.68% जानी कि 1631 रुपए की तेजी 62,485 रुपए प्रति किलोग्राम से ट्रेंड करती दिखाई दी। किसानों तो बाद हुण मुलाजमां भी सरकार विरुद्ध जोरदार संघर्ष के रूप में। मिति 31/8/2020 फिर मिति 7/10/2020 सरकार वालों मुलाजम जथेबंदी पंजाब UT मुलाजम पेंशनर्स फ्रंट के पंजाब स्टेट
मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन नाल मीटिंग बेसिटा रहने उपरंत सरकार दे वादे लारे साबित होंदे नजर आ रहे ने। जदों तो कांग्रेस सरकार होंद विच आई उदों तो ही सरकार ने मुलाजमान प्रति ना पक्षी रवैया अख्तियार किया होया। पिछले समय दौरान वख-वख जथेबंदियों नाल सरकार वालों कीतियां मीटिंगां विच जिहड़ियां मंगां मन्नियां गईआं सन उन्हां संबंधी पत्र जारी नहीं होए, जिस करके मुलाजम वर्ग विच भारी रोस है। तो सूत्रों मुताबिक वित्त मंत्री के इस रवैये करके मंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा वालों हुण मुलायम मामलों में रुचि नहीं विखाई जा रही, जिस करके सरकार वालों जिम्मेवारी कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवाड़ों दी गई है। तो हुण किसानों तो बाद जिहड़े ये मुलाजम है धरने के रो विच ने। तो दोस्तों ये सीगियां अपनियां समय दीयां वड्डियां खबरां, इसे नाल ही अपनियां खबरां खत्म होंदियां ने। मिलांगे अगले दिन दीयां नवीं खबरां नाल, होंदे लई इन्ना ही धन्नवाद। जय हिंद, जय भारत।